चलिए आज मैं डोसा बनाती हूँ। डोसा बनाने के लिए मैंने ये सामग्री ली है सारी। मैंने दो तरह के चावल लिए हैं, ये घर के चावल हैं और ये बाज़ार वाले चावल हैं। घर के चावल में थोड़ा सा स्टार्च ज़्यादा होता है, डोसा चिपकने का डर रहता है, तो फिर थोड़ा सा मैंने बाज़ार के ले लिया। अगर बाज़ार के नहीं भी हैं तो घर के ही बना लेना चाहिए, खाना बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये उड़द की दाल है, धुली दाल है, ये थोड़ी सी चने की दाल है और इसी में अरहर की दाल है और ये थोड़ी सा मेथी दाना है, ये आधी चम्मच। तो मेथी दाना डाल देंगे हम इसमें चावलों में और उड़द की दाल, और ये सारी एक जगह कर देंगे। तो हम भिगोते हैं इसको। ये चावल मैंने एक जगह कर दिए हैं सारे, अच्छे से भिगो कर इनको कम से कम 8 घंटे के लिए हम रख देते हैं। ये दाल भी सारी एक साथ कर दूँगी। देखिए डोसा बनाने के लिए जो मैंने दाल और चावल भिगो कर रखे थे वे हम पीसते हैं, मैंने 8 घंटे हो गए हैं इसको, तो ये सारी फूल गई है। हम इसको बारीक पेस्ट बना रही हैं। देखिए दाल मैंने पीस ली है, दाल और चावल अलग अलग पीसने हैं क्योंकि दाल सॉफ्ट रहती है और चावल थोड़े से हार्ड रहते हैं, तो इसलिए चावलों को अलग पीसेंगे। देखिए दाल और चावल का पेस्ट बनकर हो गया है रेडी। अभी लग रहा है थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। देखिए चलाते हैं। डोसा हमारा पक चुका है एक साइड से, अब रखते हैं हम इसमें ये मिट्टी आलू की। डोसा हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया।